लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कांगड़ोला क्षेत्र में हुए ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा में मिले 5,000 रुपए, कहा सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। चांगड़ोला क्षेत्र में रवि की फसल पर हुए ओलावृष्टि के कारण किसानों को मुआवजा के तौर पर 5,000 रुपए की राशि दी गई है, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए खेरगांव में क्षेत्र के किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कहा कि किसानों की 1 एकड़ की फसल हो या फिर 5 एकड़ की फसल हो, सभी को एक जैसा मुआवजा दिया गया है। यही नहीं, जिसने रवि की फसल नहीं भी लगाया है उसे भी 5,000 रुपए दिए गए हैं। ऐसे में किसानों का तो लागत का भी पैसा नहीं मिला है, तो फिर सरकार मुआवजा के नाम पर क्या दे रही है। चांगड़ोला क्षेत्र के पीड़ित किसानों ने खैरगांव में बैठक आयोजित कर फैसला लिया है कि शासन ने किसानों से फसल क्षति के नाम पर खिलवाड़ किया है। पीड़ित किसानों ने अपनी समस्या की मांग को लेकर जनसुनवाई में बालाघाट जाने की बात कही है। कितनी खेती है आपने? अपनी खेती लगभग 4 एकड़ है। अच्छा, कितनी मुआवजा राशि बनाई गई है आपकी? हमारी राशि मैंने मोबाइल मैसेज देखा तो उसमें 5,000 रुपये आया है। नहीं, जब जांच में तहसीलदार आप खैरगांव आए थे तो उनके द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक किसानों खेत जाके 80% क्षति का आकलन किया जाएगा। खैरगांव में आज जब आए थे जांच के लिए, उस समय में पटवारी साहब, आरआई साहब, तब 60% का रेशो उन्होंने बनाए थे, लेकिन 60% के हिसाब से राशि नहीं मिल पाई। जो प्रति हेक्टर 32,000 रुपये बोला गया था, लेकिन उसमें हेक्टर तो कुछ समझ में आया नहीं। सभी किसान को 5,000 रुपया, जिसकी जमीन ज़्यादा भी है कम भी है, उसको 5,000 डाला गया। अच्छा, शासन द्वारा आपको गुमराह किया गया। इसमें क्षतिपूर्ति कुछ भी नहीं हमको मिली, शून्य है। तो पंचायत में चस्पा किया गया नहीं किया गया? अभी तो ग्राम पंचायत में कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं, जो जिनका उन्हें क्षतिपूर्ति राशि के लिए जांच किया गया था, वो चस्पा करने के लिए बोला गया तहसीलदार द्वारा? नहीं की गई। आपका परिचय? मेरा नाम मूलचंद राहुल। आज ये शिवधाम खैरगांव में किस चीज की बैठक की गई थी? ये किसान क्षतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण मतलब एकत्रित हुए थे किसान लोग यहाँ पे। अच्छा, मुआवजा राशि किसी के खाते में 5,000 डली है और मेरे स्वयं के खाते में नहीं डली है, एक भी राशि डली है। अच्छा, ऐसा कितने किसानों के खाते में राशि डली गई? अनेक, लगभग 25% लोगों के खाते में तो आ चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपके द्वारा किसी अधिकारी से पूछा गया कौन सी राशि है? हाँ, पूछा गया, ओलावृष्टि बता रहा है। तो कितना परसेंट क्षति का आकलन किया गया? 50% का आकलन बताया गया था। और आरआई साहब और धावड़े पटवारी के पास मैं गया था, कार्रवाई के लिए कागजात पूरे दे दिया मैंने। उसके बाद में अब उनने बनाए नहीं बनाए क्या किए तो मेरे खाते में पैसा नहीं आया, और हमारे 5-7 किसान जो साथ में हैं और उनके भी खाते में नहीं आया, और आजू बाजू वाले दोनों किसानों के खाते में 4-5 किसान हैं, उनके खाते में 5,000 रुपया आ चुका है। तो ये आपके हिसाब से ये राशि से संतोष हैं आप? इस राशि से संतुष्टि तो नहीं है, इसमें तो कुछ भी मतलब क्षति का वो पूर्ति नहीं हो रही है। इसमें किसान तो उसके वही भी लागत का वो नहीं मिल रहा है, इसमें जुताई का पैसा नहीं निकल रहा है। आपका नाम? रामेश्वर साहू, ग्राम बसेगांव। अच्छा, आज शिवधाम खैरगांव में कौन सी बैठक की गई थी आपके द्वारा? यही ओलावृष्टि के संबंध में जो है मुआवजे की राशि कम आई है, इस संबंध में। कितनी राशि आई आपके खाते में? 5,000 मात्र। कितनी खेती है? जमीन अपनी है 3 हेक्टेयर करीब। अच्छा, तो 1 हेक्टेयर वाले को 5,000 आया या 3 हेक्टेयर वाले को 5,000? जिनका नहीं भी था, मान लीजिए जिनने नहीं भी बोए थे, उसको भी 5,000 की राशि आई है। और पटवारी आरआईओं का ये धांधली चला है कि एक गांव में जाकर 2-3 जगह देखे और बाकी सब उनने कागजी कार्रवाई हाथों हाथ ले करके, और उनका भी 5,000 आया। अच्छा, जिनने नहीं भी लगाया था मान लीजिए। अच्छा, जिनने लगाया था उनको भी 5,000, और जिनके क्षति भी रहा मान लो 50% से ऊपर, उनके भी 5,000 रुपए। तो आपने शासन प्रशासन को यह अवगत करा के कुछ जानकारी ली गई है? जानकारी उनने पटवारी ने हमको ये दिया कि बोले 50% से ऊपर है, बोले ठीक है, बोले मिलेंगे मुआवजा। इस मुआवजा राशि के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा आगामी? इसके लिए हम वही है जन सुनवाई में लगाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे जन सुनवाई के दिन। अच्छा, मंगलवार को।
तो ये आपके द्वारा सभी किसानों द्वारा? हाँ, सभी तो अब जाने को बोले हैं आज। अच्छा। और अगर नहीं होगा उससे भी तो फिर अब आगे कुछ करेंगे आंदोलन। इस बैठक में कितने किसान आए थे? इसमें वही 150 से 200 करीब थे। अच्छा, ये ओलावृष्टि कितने गांव में हुआ होगा लगभग? ओलावृष्टि तो इस साइड 15-20। सभी 15 गांव के किसानों को यही इसी तरह से राशि आवंटित हुई। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।